तो और दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं और छिंचन आज फिर से यार बहुत दिन के बाद मिले हैं, तो आज हम बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाले हैं। फ्रेंकी भैया कहाँ मर गए? अरे छिंचन, मैं तो यहीं पर हूँ। आज क्या करना है, फिर क्या इरादा करने का? फ्रेंकी भैया आपको पता है मेरे बहुत दोस्तों के पास ना छोटी छोटी गाड़ियां है, प्लीज फ्रेंकी भैया मेरे को भी दिला दो ना प्लीज। अबे यार, हम तो खुद बहुत ही ज्यादा भाई गरीब है यार, मैं तुझे कहाँ से लेकर दे दूँ नई कार। फ्रेंकी भैया आप तो इतने बड़े चोर हो, कुछ ना कुछ चोरी वोरी करके भी को दिला दो ना। अरे यार, चोरी करके पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी, फिर तुझे गाड़ी कहाँ से मिलेगी, मैं भी तेरे साथ नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं, आपको पकड़ के भी ले जाए तब भी कोई बात नहीं, मेरे को गाड़ी मिलनी चाहिए। अच्छा, तेरी गाड़ी के लिए मैं जेल चला जाऊँ ना? फ्रेंकी भैया सामने देखो क्या हो रहा है, कुछ गुंडे अपनी गाड़ी तोड़ रहे हैं। अबे भाई, ये कौन है यार, ये कहाँ से आ गए? ओए कलू, अगर सही सलामत जाना चाहता है यहाँ से निकल जा। फ्रेंकी भैया आपकी बेइज्जती, मेरे से सहन नहीं होगी, मारो इनको। तेरी भैंस की टांग भाई साहब, ये हमारी भाई गाड़ी तोड़ रहे हैं, तेरी भैंस की टांग, तू भी निकल यहाँ से। मैंने भी मारा तेरी हिम्मत कैसे। ओए बच्चे, तू तो कम से कम मत मार यार, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। चलेगा, तेरे को तो मैं मार के छोड़ूंगा। ये है कौन थे, हमारी गाड़ी क्यों तोड़ रहे थे यार? पता नहीं फ्रेंकी भैया, आपके कोई गंदे से दोस्त होंगे। अबे ये मेरे अबे मुझे मत मार, अबे मुझे मत मार, ये मेरे दोस्त नहीं है, मैं नहीं जानता ये कौन है। ठीक है, चलो विश्वास कर लेती आपके ऊपर, चलो आज बैठो मेरी गाड़ी के अंदर। अरे छिंचा, तू भी बहुत बहादुर है, छोटा सा बच्चा होकर तूने इस इतने बड़े बंदे को मार दिया, क्या बात है। मजा आ गया इनको मारने में, और आपको देखो मैं कितनी मस्त गाड़ी चलाता हूँ। अरे छिंचा यार, तू इतनी बढ़िया गाड़ी चला कैसे लेता है, बहुत अच्छी ड्राइविंग है तेरी तो। आपको भी तो मैंने सिखाई है। अच्छा हाँ, मुझे सिखाई है, इतना बड़ा भी नहीं है तू कि मुझे सिखा देगा। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, प्लीज मेरे से दूर हो जाओ। नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। फ्रेंकी भैया ये क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर तो किसी को किडनैप किया हुआ है और उसके ऊपर गन तानी हुई है छिंचन। फ्रेंकी भैया क्या लगता है इसकी मदद कर दी? अरे मैं सोच तो रहा हूँ कि इसकी मदद कर दे, बट देखने में तो ये गरीब सा लग रहा है यार, क्या फायदा होगा इसकी मदद करके। क्या पता, हो सकता है इस बंदे के पास बहुत पैसा हो। अबे हाँ यार छिंचन, तेरी बात में दम तो है यार। क्या बोलते हो, इसकी मदद करनी चाहिए? चल ठीक है छिंचन, इसकी हेल्प करते हैं और हम दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है? फ्रेंकी भैया मेरे को एक आइडिया आ रहा है, सुनोगे? फ्रेंकी भैया एक काम करती है, आप ना यहाँ पे उतरो, ठीक है? आप ना एक काम करना, मैंने इनको गाड़ियों से धक्का दूंगा, आप ना जो भी बंदा होगा ना उसको चपेट मारना, आपके एक बंदे से गन छीन लेना, उसके बाद सारे बंदों को मार देना। अरे हाँ, ये आइडिया भी सही है यार, सही बात है, तेरा दिमाग चलने लग गया आजकल। उतरो 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 जल्दी उतरो। चल ठीक है मैं उतरता हूँ। अबे यार रुक जा यार, मुझे चोट लगी, एक मिनट रुको। अभी ना फ्रेंकी भैया अपना हाथ तैयार रखना, किसी को भी मारूंगा उससे कल चीने ना। चल ठीक है, ओके। तेरी भैंस की टांग, अबे तू भी निकल, फ्रेंकी भैया सबको मार दो, तू भी निकल। भाई 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 भाई, अरे हमको क्यों मार रहा है? अरे हमने तुझे कुछ कहा? हम किसी को छोड़ने नहीं वाले, फ्रेंकी भैया सबको मारो, इसको भी छोड़ना नहीं है। इसको तो भाई हम छोड़ेंगे नहीं, इसने भाई ये गरीब बंदे को मारा है। मारो मारो सबको, मारो, खत्म कर दो सबको, मार चलो बजायो। ले छिंचन, इसको तो मार मार के इसकी भाई बजिया बना दिया हमने। और मुझे बहुत ज्यादा मारा इन्होंने, मेरी हड्डी पसली तोड़ डाली। भैया क्या हुआ आपको? अरे बेटा, मुझे इन्होंने बहुत मारा, तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया बेटे। अंकल खड़े तो हो जाओ। अंकल मैं ना हमेशा सबकी हेल्प करते रहता हूँ, आपको आपके घर पे छोड़ दूँ? बेटा अगर हो सकता है तो प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। फ्रेंकी भैया आप ना पहले किसी की गाड़ी या बाइक लेके आओ। अंकल आप एक काम करो, आप ना मेरी गाड़ी में जाके बैठो, मैं ना आपको छोड़ता हूँ। अरे फ्रेंकी भैया कोई ना कोई गाड़ी तो लेके आओ ना, आप हमारे पीछे पीछे चलना। अरे हाँ लेकर आता हूँ यार। छिंचन यार, इतनी बढ़िया गाड़ी के बीच में अंकल को बिठा दिया यार तूने। चल कोई नहीं यार, मैं मैनेज कर लूंगा। आ जाओ आप ना हमारा पीछा पीछा करना फ्रेंकी भैया, जल्दी से आओ। ये बाइक तो बहुत मस्त है, चलो अभी यही बाइक लेकर चलते हैं। अरे छिंचन मुझे बाइक मिल गई। मजा आ गया फ्रेंकी भैया, आपकी तो बाइक खुल गई। क्या बात है यार, भाई कितनी मस्त बाइक है यार, भागती बहुत ज्यादा है। अंकल आपका घर कहाँ है? बेटे मेरा घर इधर से आगे जाके राइट होके फिर लेफ्ट होके उसके बाद मेरा घर आ जाएगा। चलो हम कहीं से पन्ने अंकल के घर पे चलते हैं। चलो भाई अभी फटाफट चलते हैं, मैंने भी अंकल का घर देखना है। ओए बेटे बेटे, वो सामने वाला घर देख रहे हैं ना, वो मेरा है। ओ अंकल जी वो आपका घर है, चलो अभी छोड़ देते हैं फ्रेंकी भैया, आ जाओ इधर, इनका घर ये वाला है। अबे आगे आ गया, पीछे ही हूँ तेरे। ओ चलो अंकल जी, आपको अंकल जी आपको तो कितना बड़ा घर है, आप तो ऐसे दिखा रहे थे कि मैं गरीब हूँ। बेटा ये घर तो किराए का है यार, क्यों मजे ले रहा है मेरे? अच्छा चलो अंकल जी आप उतर जाओ, कोई बात नहीं। बेटा मेरे को ना तुम दोनों को ना गिफ्ट देना है,
फ्रेंकी भैया ये गिफ्ट देने की बात कर रही है। गिफ्ट देने की बात कर रहा है, चल आ जा यार शिंचन बाहर आ, मैं भी देखता हूँ कौन सा गिफ्ट देते हैं अंकल यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बेटे तुम दोनों बेटे यहीं पे रुकना, मैं तुम दोनों के लिए ना कुछ लेके आता हूँ। अंकल हम यहीं पे रुके हुए, तुम दोनों ना बस यहीं पे खड़े हो जाओ, मैं अभी आता हूँ बेटा। अंकल कोई बात नहीं, आप आराम से जाओ अंकल, आपको चोट ना लग जाए। नहीं लगेगी बेटा, मैं अभी आता हूँ। आपको क्या लगता है अंकल क्या गिफ्ट लेके आएंगे? अबे मुझे तो लग रहा है यार शायद कुछ तगड़ी चीज ही होगी, देखते हैं। चलो हम तो यही भी खड़े होते हैं, क्या गिफ्ट मिलने वाले? पर आपने ज्यादा उम्मीद मत रखो, इन अंकल ने बोले थे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अबे चिंचन ऐसे यार किसी के ऊपर वैसे भरोसा करना तो नहीं चाहिए, तो सही तो कह रहे हैं। फ्रेंकी भैया हमको यहाँ पे खड़े हुए काफी टाइम हो गया, अंकल तो अभी तक आए ही नहीं है। अबे हाँ यार मैं भी यार यही देख रहा था, अंकल अभी तक नहीं आए यार, बहुत टाइम हो गया। वेट अंकल आ रहे हैं, फ्रेंकी भैया अंकल आ गए देखो। बेटे यही पे रुके हुए ना तुम दोनों, बेटे ये देख मैं कुछ लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये देख। अंकल ये क्या है? बेटे मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अबे भाई साहब सच में यार सूटकेस तो पैसों से भरा हुआ है। ओए अंकल इतना अमीर था तो हमें क्यों पागल बनाया? क्योंकि बेटा मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों मेरे को किडनैप कर लो। अरे अंकल ये मैं मानता हूँ ये चोर की शक्ल का दिखता है, पर हम ऐसे नहीं है। अबे चोर की शक्ल का क्या मतलब होता है शिंचन? वैसे मैंने मजाक किया, चलो फ्रेंकी भैया हमको तो पैसे मिल गया, शोरूम पे चलते हैं, मुझे गाड़ी मिल जाएगी आज। अबे तू मजाक कम किया कर यार, इतने खतरनाक मजाक करता है यार मजा भी नहीं आता। बैठ जाओ गाड़ी में। अबे रुक जा आ रहा हूँ, अब मैं सूटकेस लेकर ही गाड़ी के पीछे बैठूंगा, इतना बड़ा सा सूटकेस पकड़ा दिया अंकल ने। अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आज सुबह सपना देखा था कि मेरे पास भी एक छोटी सी कार होगी, आज छोटी सी किसी की हेल्प करी और इतना सारा पैसा मिल गया। फ्रेंकी भैया ये तो इतना सारा पैसा है कि आप ही अपने लिए गाड़ी ले सकते हो, मैं भी। अबे चिंचन यार मैं अगर तेरी बात मानने से मना कर देता फिर शायद हम ये यहाँ तक पहुँच ना पाते, ये पैसा तो बहुत दूर की बात थी। अब तो मजा आएगा, चलो फ्रेंकी भैया एक शोरूम पे चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी है। फ्रेंकी भैया हम शोरूम में पहुंच चुके हैं। अबे चिंचन ये तू कहां पर लेकर आ गया मुझे, बहुत बड़ा शोरूम है। फ्रेंकी भैया मैं तो अंदर से जाके छोटी गाड़ी लेके आने वाला हूँ, आप तो अपने लिए जो पसंद करना कर लो। अबे भाई साहब यहाँ पर तो कितनी ज्यादा मस्त गाड़ियाँ हैं और कई लोग भाई लेने के लिए भी आए हैं। अरे यार हमें इतनी सारी गाड़ियों में एक गाड़ी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अबे चिंचन तुझे कौन सी गाड़ी पसंद आई? मैंने तो अपने लिए लैम्बोर्गिनी सियान ले ली है। अच्छा यहाँ पर भी लैम्बोर्गिनी सियान है, ये ब्लू वाली बहुत मस्त लग रही है, चल ठीक है मैं ये वाली ले लेता हूँ। चल ठीक है मैं अपने लिए ये ब्लू वाली ले रहा हूँ, और कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, वाह। फ्रेंकी भैया आपने पेमेंट कर दी ना सारी गाड़ियों की? हाँ मैंने सारी गाड़ियों की पेमेंट कर दी है, ये बाहर डीलर ही है, इसको मैंने पैसे दे दिए। चलो आ जाओ फिर। आ गया। ओबे भाई साहब क्या ही गाड़ी चलती है, कितनी मस्त आवाज है इसकी, देखो ना मेरी कितनी गाड़ी तेज है, आ जाओ पीछे करके दिखा। अबे चिंचन रुक जा, अबे इतनी ज्यादा फास्ट को जा रहा है, अबे रुक। मैं आपसे ज्यादा तेज चला सकता हूँ गाड़ी, आपसे तो गाड़ी भी नहीं चलती। अबे ऐसा मत बोल, कोई नहीं आ जा, अगर दम है तो रेस लगा कर दिखा फिर। आ जाओ फिर, चलो गाइस अभी ना यहाँ से हम दोनों निकल जाओ, रेस करते हैं मस्त वाली। फ्रेंकी भैया यहाँ पे जो एंड दिख रहा है ना वहाँ तक जो पहले पहुँचेगा वो रेस जीत जाएगा। चल ठीक है, तो भाई अब यार चिंचन के साथ तो हम रेस लगाने वाले हैं और देखते हैं इसमें कितना है दम, मेरी लैम्बोर्गिनी सियान के आगे तो तेरी गाड़ी कुछ भी नहीं है। चलो फिर मेरे पास भी लैम्बोर्गिनी सियान ही है, निकल। चल ठीक है आजा फिर, लेट्स गो। तो भाई ये देखो चिंचन अपनी छोटी सी गाड़ी के साथ भाई हमारे साथ मुकाबला कर रहा है। ओहो मैं जीत गया। अबे भाई साहब भैंस की टांग भाई, ये चिंचन तो कुछ ज्यादा यार खतरनाक गाड़ी लेकर आया है, देखने में जितनी छोटी लगती है और हम तो हार ही गए। अबे यार हम तो भाई चिंचन से हारे, इतने छोटे से बच्चे से हार गए। मैं तो ये रेस जीत गया, मुझे तो मजा ही आ गया। तो गाइस आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, गुड बाय।